नमस्कार, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। एक ख्वाहिश, एक सपना, एक भूख और एक मातृत्व प्रेम। जी हाँ, ये है ना कमाल की बात। आप जानते हैं ये सब मैं क्यों और किन के लिए बोल रही हूँ? ये सारी बातें हैं महिलाओं के लिए, उन महिलाओं के लिए जो न केवल घर परिवार की धुरी बल्कि अनेक क्षेत्रों में अपनी सक्रियता और क्रियाशीलता से मजबूत उपस्थिति दर्ज करवा रही है। लेकिन देखा जाए तो इसका दूसरा पहलू आज भी चिंतनीय है। चिंतनीय इसलिए कि उम्र की प्रत्येक पड़ाव में और खासतौर पर 45 के बाद उनमें तरह तरह की बीमारियां भी होने लगती हैं। हालांकि पिछले दशक में सर्वे के मुताबिक सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी मानी जाने वाली कमजोर महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार तो देखा जा रहा है, लेकिन अभी भी कुपोषण के अलावा कई स्वास्थ्य की चुनौतियां हैं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरत है जागरूकता की। जागरूकता इसलिए कि अधिकतर महिलाएं सही पोषण नहीं लेती हैं, जिसकी वजह से वो अनीमिया सहित हाई या फिर लो ब्लड प्रेशर, साथ ही साथ थायराइड जैसी समस्याओं का सामना करती हैं। और एक बड़ा तबका आज भी चुपचाप रहकर मानसिक और भावनात्मक समस्याओं से पीड़ित है। कहना चाहिए कि कहीं ना कहीं आज भी भोगवाद और मानसिक हिंसा की शिकार भी हो रही हैं हमारी महिलाएं। जरूरी नहीं है कि हिंसा केवल पुरुष ही करें, महिला के प्रति महिलाओं द्वारा भी किए जाने वाले हिंसा का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि आखिर हमारी प्राथमिकता कहां गड़बड़ाई हुई है। जी हाँ, इन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज हमारे विशेषज्ञों से हम समझने की कोशिश करेंगे, जानकारियां हासिल करने की कोशिश करेंगे और साथ ही जानेंगे कि उम्र के प्रत्येक पड़ाव में कौन से कारक महिलाओं के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। विषय क्या है बता देते हैं आपको आज के कार्यक्रम का। जी हाँ, आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय है ताकि प्रेग्नेंट महिलाएं ना हो कोरोना की शिकार, एक जागरूकता। जी हाँ, कोरोना महामारी चल रही है, ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारी गर्भवती महिलाएं अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम जरूर उठाएं। काफी तरह की समस्याएं आती हैं, ऐसे में आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे साथ देश की जानी मानी दो विशेषज्ञ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पिकी सक्सेना। आप लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में स्त्री रोग विभाग में प्रोफेसर हैं। आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि महिलाओं में सामान्य तौर पर स्वास्थ्य से जुड़ी कौन सी समस्याएं हो जाती हैं जो ज्यादा परेशान करती हैं। हमारे दूसरे मेहमान भी मौजूद हैं डॉक्टर राजेश कुमार। आप एम्स दिल्ली में प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में प्रोफेसर हैं, जिनसे हम आज खास तौर पर महिलाओं में हार्मोन चेंजेस और गर्भावस्था के दौरान होने वाली समस्याओं और साथ ही साथ कुपोषण के कारणों के बारे में भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी मैं हमारे कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। धन्यवाद। तो बिल्कुल, अगर आप महिला हैं और किसी भी स्वास्थ्य से संबंधी परेशानी का सामना कर रही हैं तो बेझिझक आप अपने सवाल हमसे पूछ सकती हैं। जरिया है हमारे टोल फ्री नंबर, बता देते हैं आपको। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113-060 और 1800-113-061। हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है 1800-113-060 1800-113-061। हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है जिस पर आप कॉल करके अगले एक घंटे के दौरान जो भी समस्याएं आपके स्वास्थ्य से संबंधित उनके समाधान हमसे जान सकते हैं। जी हाँ, हमारे कार्यक्रम की हम चर्चा की शुरुआत करें, बातचीत की शुरुआत करें, उससे पहले हमारे खास रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं जो कि जागरूकता फैलाती है हमारी महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य के प्रति। आइए नजर डालें हमारी इस खास रिपोर्ट पर। जब भी बात नारी के विकास की होती है, उसके सम्मान की होती है तो अच्छा लगता है, और लगे भी क्यों ना, नारी प्रगति के हर सोपान को जो छू रही है। लेकिन इसका दूसरा पहलू बड़ा चिंतनीय है। चिंतनीय इसलिए कि महिलाएं जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है उतनी ही तेजी से उनका स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। फिर बात चाहे शहरों में नौकरी और घर संभालने वाली महिलाओं की हो या ग्रामीण महिलाओं के चूल्हा चक्की की। कहते हैं एक स्वस्थ महिला न केवल स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है बल्कि समाज में सक्रिय भागीदारी भी निभा सकती है। लेकिन अभी भी हमारे समाज में महिलाओं का एक बड़ा तबका चुपचाप रहकर न केवल मानसिक और भावनात्मक समस्याओं से पीड़ित है बल्कि कई स्वास्थ्य सेवाओं से भी वंचित है। यही कारण है कि भारत में ज्यादातर महिलाएं दिल की बीमारी से पीड़ित हैं। उन्हें डायबिटीज और थायराइड के अलावा
मानसिक अवसाद का दंश भी झेलना पड़ रहा है। इनमें से ज्यादातर मृत्यु कुपोषण के अलावा गर्भावस्था और प्रसव के दौरान हो जाती है। गौरतलब है कि किसी महिला के स्वास्थ्य की समस्या केवल उसकी समस्या नहीं होती बल्कि एक सामाजिक समस्या भी होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि काम का बोझ, माहवारी, जल्दी विवाह और फिर गर्भधारण के बाद यदि सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है तो वह है अच्छा भोजन। इसके न लेने पर महिलाओं में थकावट, कमजोरी, खून की कमी यानी अनीमिया होने का खतरा बढ़ जाता है। यही कारण है कि भारत में 80% गर्भवती महिलाओं में खून की कमी पाई जाती है और लगभग 20% महिलाएं कद में काफी छोटी रह जाती हैं। ग्रामीण महिलाओं की बात करें तो उन्हें खेतों में काम करना है, उन्हें कीटनाशक दवाइयों के संपर्क में भी आना होता है जिसका असर गर्भ में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसी तरह घर पर धुएं से होने वाली फेफड़ों की बीमारियां और दूषित जल के सेवन से भी रोग के पनपने का खतरा बना रहता है। हालांकि महिलाओं को स्वास्थ्य की सेवाओं का हकदार बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 2 दर्जन से भी अधिक कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है जिनमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर पेंशन, ग्राम ज्योति, उज्ज्वला, स्वास्थ्य और एक माँ के अच्छे स्वास्थ्य के साथ स्वस्थ बच्चे के प्रयास का नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। बता दें कि इस अभियान के तहत डॉक्टर्स की टीम घर घर जाकर गर्भवती महिलाओं की जांच करती है और जरूरत पड़ने पर पास के अस्पताल में ले जाकर उनका इलाज भी कराती है। इसके अलावा हर माह की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क जाँच भी की जाती है। अब ग्रामीण महिलाओं का जीवन बदल रहा है, वह न केवल स्वावलंबी हो रही है बल्कि जागरूकता के साथ अब इनके जीवन में स्वस्थता की ललक भी जाग रही है। लेकिन अभी भी जागने की जरूरत है मर्दवादी समाज को, क्योंकि नारी जिसकी हथेली पर मेहंदी है आपके नाम की, सिर पर चुनरी है आपके नाम की, मांग तो है उसकी लेकिन सिंदूर है आपके नाम। अपने जज्बे से दुनिया भर में एक अलग पहचान कायम करने वाली और जीवन को दांवों पर लगाकर वंश चलाने वाली ऐसी नारी को मेरा सलाम है। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। सचमुच उम्र के हर पहलू पर प्रभाव डालता है महिला का स्वास्थ्य, इसलिए जरूरत है जागरूक होने की। जी हाँ, विषय है हमारा ताकि प्रेग्नेंट महिलाएं ना हो जाएं कोरोना की शिकार, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे साझा करने वाले हैं। आपके पास कोई भी सवाल है तो आपको बेझिझक कॉल करना है हमारे टोल फ्री नंबर पर। हमारी देश की 2 जाने माने विशेषज्ञ मौजूद हैं जो आपकी समस्याओं का समाधान आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो आइए इसी के साथ हमारे बातचीत के सिलसिले की हम शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर पिकी, आपका रुख करना चाहूंगी। कोरोना महामारी चल रही है, सभी इससे जूझ रहे हैं, ऐसे में हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके सामने काफी बड़ी चुनौतियां हो जाती हैं क्योंकि वैसे भी उन्हें ज्यादा सतर्क रहने की सलाह दी जाती है, उनको आप क्या कहेंगी? उनको अपना कोरोना से बचाव करने के लिए 4 चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है जी। सबसे पहली चीज, हर बार हाथ धोने हैं, कुछ भी काम करने के बाद या तो हाथ धोने हैं साबुन से या फिर हाथ सैनिटाइज करने हैं। दूसरी चीज, जो मास्क पहनना है, मास्क के बिना घर से बाहर नहीं निकलना है और मास्क कवर करना चाहिए नाक को भी और मुंह को भी, बात करते टाइम मास्क को नीचे नहीं करना है जी। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज है कि 2 गज की दूरी बनाए रखनी है किसी के साथ भी, और बाहर जहां भीड़ है, बाजार है, वहां जाने से अपने को रोकना है। और अभी अभी हमारे देश में वैक्सीनेशन भी अप्रूव हो गया है, यानी कि गर्भवती महिलाएं और जो महिलाएं बच्चों को दूध पिला रही हैं अब वो भी अपना बचाव कर सकती हैं वैक्सीनेशन के द्वारा। तो ये सारी 5 चीजें अगर हम ध्यान रखें तो उससे कोरोना का बचाव हो सकता है। देखिए, जिस तरह से हम आम लोग भी बचाव के कार्य करते हैं, ऐसे ही हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें और भी ज्यादा सतर्क यहां पर रहने की जरूरत है। तो डॉक्टर राजेश, जैसे डॉक्टर स्पेकी ने कहा कि ज्यादा भीड़ वाली जगह पर जाने से बचें, पर
अक्सर होता है कि डॉक्टर के पास जाना है, उनकी अपॉइंटमेंट है, तो वहां पर भी लोग होते हैं, तो ऐसे में किस तरह की सावधानी वो बरत सकते हैं, क्या ज्यादा उन्हें ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, जब डॉक्टर के साथ आपकी अपॉइंटमेंट है तो एक समय निश्चित कर लें कि मुझे 9 बज के, एक एग्जांपल के लिए कि 9:10 का टाइम है, तो आप 5 मिनट पहले वहां पहुंचे, अपनी लाइन में ज्यादा देर तक खड़े ना हो। इसमें डॉक्टर को, अस्पताल को, वहां पे जो एक केयर टेकर है अस्पताल में, उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी भी जरूरत होगी कि वो टाइम से उस महिला को डॉक्टर के पास पहुंचा सके, कि उनको ज्यादा देर भीड़ में खड़ा ना होना पड़े। दूसरा, दूरी, जैसे डॉक्टर टिक्की ने बताया, एक दूसरे से दूरी बनाए रखना, जैसे कि अब हर अस्पताल में, हर हॉस्पिटल में 2 गज दूरी पे निशान बना दिया गया है कि वो उससे एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। दूसरा, मास्क लगा के रखना है, मास्क को कभी भी अपनी चिन पे नहीं रखना है, नाक पे और फेस पूरा कवर होना चाहिए। और प्रेगनेंसी में ये दिक्कत हो सकती है कि उनको सांस नहीं आए, तो इसके लिए वो 3 लेयर्स वाला कपड़े का मास्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथों को सैनिटाइज करना है, जो कि बहुत जरूरी है, जब अस्पताल जा रहे हैं तब भी जरूरी है, आप डॉक्टर के सामने जा रहे हैं, डॉक्टर से चेकअप करवा रहे हैं, या डॉक्टर आपका चेकअप कर रहा है, वो भी अपने हाथ सैनिटाइज करके ही आपको छुए, आपका चेकअप करे। तो ये थोड़ी सी है जो अस्पताल में घुसने से पहले या एंट्री करने से पहले हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, बहुत जरूरी हो जाता है। मैं ऐड करना चाहूंगी जी जरूर, कि हमें प्रेगनेंसी में गर्भवती महिलाओं को कम से कम सिर्फ 4 बार ही जाएं। अगर उन्हें कोई हाई रिस्क नहीं है, हाई रिस्क का मतलब या तो उनकी उम्र बहुत छोटी या बहुत 30 साल से बड़ी नहीं है, डायबिटीज, थायराइड, अनीमिया और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं है, नीचे से खून जाने की तकलीफ नहीं है, और जुड़वा बच्चे नहीं है, अगर उनकी प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हाई रिस्क नहीं है, तो ये कहा गया है कि आजकल के समय में, कोरोना के समय में, सिर्फ 4 बार अस्पताल जाएं, 3रे महीने पे, 6ठे महीने पे, फिर 7वें महीने पे और 9वें महीने पे। तो इसका ध्यान रखें, और जब आप अस्पताल जा रही हैं तो अपने निजी वाहन में जाएं, क्योंकि और अपने घर के आसपास किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही दिखाएं, क्योंकि जितनी दूर आप जाएंगे आपका एक्सपोजर दूसरों के साथ ज्यादा बढ़ेगा। आप निजी वाहन में जाएंगी तो वो बेटर है। और दूसरी चीज जो आजकल हम सभी अस्पतालों में कर रहे हैं, टेलीमेडिसिन, व्हाट्सएप, स्मार्टफोन, वो बहुत अच्छा कदम, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि महिलाएं जो हैं, वो जो गर्भवती होती है, पहली बार होती है, उनके मन में काफी तरह की टेंशन होती है, वो बार बार डॉक्टर के पास जाना जाती भी है, पहले ऐसा होता था, लेकिन अब जब लिमिटेशन आ गई है तो हमें थोड़ा सा ध्यान और भी बढ़ने की जरूरत है। एक बार आप दिखा लेती हैं तो उसके बाद अपनी रिपोर्ट जो है डॉक्टर से गुफ्तगू कर सकती हैं टेलीफोन पे, हमारे पास वहाँ टेलीमेडिसिन की सुविधा है, और हर दिन एक डॉक्टर आपको कुछ घंटे के लिए वहाँ मिलेंगी, तो कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो तो आप उसी में दिखा के, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट, खून की जांच की रिपोर्ट, कोई उल्टी ज्यादा आ रही है, बुखार है, तो वो सब चीजें डॉक्टर से सलाह मशवरा फोन से ही कर सकती है। बिल्कुल, देखिए डिजिटल हो रहा है जमाना, ऐसे में आप लोग भी अपने घर में बैठे ही इन्हीं माध्यमों के जरिए डॉक्टर से संपर्क कर सकती हैं, सलाह ले सकती हैं। बार बार आपको यहाँ पर डॉक्टर के पास या फिर हॉस्पिटल जाने से बचना है, क्योंकि इससे एक्सपोजर ज्यादा होगा और कोरोना होने का खतरा काफी बढ़ सकता है। जैसे डॉक्टर पिकी ने कहा, डॉक्टर राजेश, की अब वैक्सीन अप्रूव हो चुकी है, गर्भवती महिलाएं और जो स्तनपान करवाती हैं महिलाएं वो भी लगवा सकती हैं, तो मैं गर्भवती महिलाओं के बारे में यहाँ पे आपसे जानना चाहूंगी, क्या इसका असर किसी तरह से उनके स्वास्थ्य पर तो नहीं पड़ेगा, डिलीवरी के समय किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं होगी? वैक्सीन जो कि अभी अप्रूव हुई है गर्भवती महिलाओं के लिए, तो ये 2 तरीके की वैक्सीन है जो अभी इंडिया में गर्भवती महिलाओं के लिए बताई गई है जी। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि जैसे डॉक्टर बिक्की ने कहा, हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो है, जैसे कि जिनकी उम्र 35 से ज्यादा है जी, शुगर की बीमारी है, डायबिटिक है, वो हाइपरटेंसिव है, या उनको कोई दिल की बीमारी है, या खून का थक्का जमने की बीमारी है जी, तो प्रेगनेंसी वैसे ही हाई रिस्क है, तो इन महिलाओं को बिना चिकित्सक की सलाह के वैक्सीन नहीं लगवानी है जी। बाकी जो महिलाएं हैं वो सेफली ये वैक्सीन ले सकती हैं, किसी भी अपने नजदीकी अस्पताल में जाके डॉक्टर की सलाह के साथ में अपना संपूर्ण चिकित्सक को करवा के परामर्श लेके ही ये वैक्सीन ले
तो अच्छा रहेगा प्रेगनेंसी के दौरान एंड लैक्टेशन के दौरान। जी बिल्कुल, तो आप डॉक्टर की सलाह यहाँ पर ले लेंगे तो ज्यादा आपको सावधानी आपकी भी हो जाएगी। और ये रिकमेंडेशन है कि जिनको हाई रिस्क प्रेगनेंसी है और जो भी मरीज डायबिटीज और हाइपरटेंशन से हैं, वो डॉक्टर से सलाह लेके जरूरी है वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि आमतौर पे ये देखा गया है कि गर्भवती महिलाओं में उतना ही इन्फेक्शन रेट है जैसा कि ना प्रेग्नेंट वाले पेशेंट्स में। लेकिन जब गर्भवती महिलाओं को संक्रमण होता है तो वो ज्यादा सीरियस हो सकती हैं, क्योंकि उनके अंदर हार्मोनल और बाकी चेंजेस ऐसे होते हैं कि वो ज्यादा बीमार पड़ सकती हैं। तो इसमें यही रिकमेंडेशन है कि प्रेगनेंसी के दौरान पहले तिमाही, दूसरे तिमाही या तीसरे तिमाही कभी भी आप लगवा सकते हैं, एक बार डॉक्टर से परामर्श करके वैक्सीन जरूर लगवाएं। जी, वैक्सीन यहाँ पर जरूर लगवानी है आपको, लेकिन जैसे हमारी दोनों विशेषज्ञ कह रहे हैं कि एक बार अपनी जो गायनेकोलॉजिस्ट है, अपनी जो डॉक्टर है, उनसे जरूर यहाँ पर संपर्क कर लें, उसके बाद बेझिझक आप वैक्सीन की ओर बढ़ सकती हैं और अपने आप को कोरोना से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा सकती हैं। बिल्कुल, गर्भवती महिलाओं के बारे में तो हमने यहाँ पर चर्चा कर ली, आगे भी हम इस पे और विस्तृत जानकारियां आपसे हासिल करेंगे, लेकिन अब मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी हमारी किशोर महिला, किशोर अवस्था में जो लड़कियां होती हैं, क्योंकि बदलाव आते हैं धीरे धीरे उनके जीवन में, तो ऐसे में किस तरह की स्वास्थ्य संबंधित चुनौतियां वो झेलती हैं, आप क्या कहेंगे डॉक्टर पकी? सबसे पहले तो हार्मोन्स की वजह से, और वो बच्चियां बड़ी हो रही हैं, उनके फिजिकल चेंजेस बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उनका महावारी शुरू होती है, बच्चों को समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है। तो इसमें बहुत जरूरी है कि उनकी माएं और स्कूल में ये पढ़ाया जाए कि ये एक नॉर्मल चीज है। कितनी बार बच्चियां आती हैं उनको समझ ही नहीं आता और वो अपनी माँ से भी नहीं डिस्कस कर सकती, तो उनको ठीक तरीके से महावारी के समय अपना ध्यान कैसे रखना है, पैड यूज करना है जो कि गवर्नमेंट फैसिलिटीज में आजकल फ्री मिल रहा है, और अगर कपड़ा यूज करिए तो उसको बहुत अच्छे से धो के और कम से कम 4-5 घंटे सुखाना है धूप में, और उसको जल्दी जल्दी चेंज करना है। दूसरी चीज जो इस समय देखी गई है कि अनीमिया बहुत कॉमन है, तो उनको खून की कमी बहुत हो जाती है। ज्यादातर देखा गया है कि बेटों को घर में लड़कों को ज्यादा पोषण दिया जाता है और बेटियों को कम, थोड़ा कम दिया जाता है। तो उसमें भेदभाव ना करके बच्चियों को भी पूरा अच्छे से खाना खिलाएं, और गवर्नमेंट ने इसने बहुत अच्छी पहल की है, जो आंगनबाड़ी और ICDS स्कीम है उसके अंतर्गत बच्चों को मिड डे मील स्कूल में ही दिया जाता है, और आंगनबाड़ी के थ्रू उनको काफी सारा राशन दिया जाता है आजकल कोरोना समय पे भी, क्योंकि वो स्कूल नहीं आके ले सकते तो उनको घर के लिए दिया जाता है, तो इसका फायदा उठाएं। स्कूल स्कीम के अंदर उनको हर हफ्ते में आयरन और कैल्शियम की गोलियां दी जाती हैं, और साल में 2 बार एल्बेंडाजोल जो कि कीड़े वर्म्स निकालने के लिए, डीवॉर्मिंग के लिए, जिससे अनीमिया ठीक होता है, तो वो भी बहुत अच्छी पहल गवर्नमेंट ने की है। तो हमें ये इन्फॉर्मेशन सबको पहुंचानी चाहिए और अपनी बच्चियों का भी अच्छे से विकास हो इसका ध्यान रखना चाहिए। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं कि पड़ाव होता है जीवन का, इसमें अगर हम नींव मजबूत रख देंगे तो आगे चलकर हमारी जो महिलाएं हैं वो बिल्कुल स्वस्थ ही होंगी। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम इस अवस्था में भी ज्यादा ध्यान रखें। हमारी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे लेकिन एक कॉलर मार्ग से यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। रुड़की से हमें नरेंद्र सिंह जी ने कॉल किया है। हेलो। हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? मैम, मेसेज को मतलब वो है, हड्डियों की चीज हुई हुई है जी, तो उसका मतलब 2-3 बार हमने ऑपरेशन भी करा लिया है यहाँ जोली ग्रांट में, तो अभी भी वो मतलब फिर उसमें इन्फेक्शन आ रहा है और वो भरा नहीं है जख्म। एक बार अपना सवाल दोहरा दीजिए। हमने उसकी MRI कराई है तो डॉक्टर ने बताया कि हड्डियों की टीबी है। हड्डियों की टीबी हुई है जी। जी, तो उसमें मतलब इन्फेक्शन बन रहा है अंदर, हड्डियों की टीबी बताई गई है और इन्फेक्शन सा बन रहा है, तो इसमें क्या संभावनाएं हो सकती हैं? आपको बुखार भी है क्या? हाँ, बुखार भी आता है कभी कभी। हाँ, तो इसके लिए ना आपकी कुछ जांचें होंगी, MRI वगैरह जैसा आपको बताया डॉक्टर साहब ने, और छाती का एक्सरे, मोंटुक्स टेस्ट, कुछ ब्लड टेस्ट होंगे, और अगर इसमें टीबी निकलती है तो आपको बिना चिंता किए जैसा डॉक्टर बता रहे हैं ATT एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, और वो हड्डी की टीबी में काफी लंबा भी चलता है, लेकिन अगर आप पूरा ट्रीटमेंट जैसे डॉक्टर बताते हैं वैसे लेंगे और अपना पोषण अच्छा रखेंगे, डॉक्टरी सलाह के अनुसार अगर ट्रीटमेंट कराएंगे तो वो ठीक भी हो जाएगा। अगर आप बीच में दवाई छोड़ देंगे, क्योंकि इतनी सारी दवाई खाने से थोड़े से साइड इफेक्ट्स भी होते हैं शुरू शुरू में, तो उसमें डरना नहीं है, डॉक्टर के पास लगातार जाना है और
अपना इलाज पूरा कराना है। इलाज पूरा कराने में टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। अपने ऑर्थोपेडिशियन के पास जाइए और टीबी के जो सेंटर होते हैं, गवर्नमेंट के सेंटर है जहां मुफ्त दवाइयां मिलती हैं, तो उनके पास जाके पूरा इलाज कराइए अपना। जी, यहाँ पर पूरा इलाज करवाना है, बीच में नहीं छोड़ना है, क्योंकि अक्सर देखते हैं हम लोग बीच में थोड़ा सा अच्छा महसूस करने लगते हैं, अपनी दवाइयों का सेवन करना बंद कर देते हैं, जिससे बुरा असर पड़ता है हमारे स्वास्थ्य पर। तो इस बात का जरूर आपको ध्यान रखना है। आइए बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर राजेश, आपका रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर पिकी ने तो बताया कि हमारी जो किशोर अवस्था में लड़कियां हैं उनको शारीरिक रूप से किस तरह की मदद की जरूरत होती है, किस तरह से उन्हें सराहने की जरूरत होती है, मेंटल हेल्थ के बारे में उनकी क्या कहेंगे आप? क्योंकि अक्सर देखा जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो कहीं कहीं शहरी क्षेत्रों में भी भेदभाव की बातें निकल कर आती हैं, तो ऐसे में क्या कहेंगे उनके लिए? देखिए, भेदभाव तो हमारे अंदर है जी, तो सबसे पहले तो इस समस्या को दूर करने के लिए हमें अपने घर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। माँ बाप को समझना पड़ेगा कि बेटी को भी अगर पढ़ाए लिखाएंगे तो वो भी आगे जाके उनके लिए एक उनको संभालने वाली बन सकती है जी। क्योंकि महिला तो समाज की धुरी है जी। वो माँ है, बेटी है, बहन है, बहू है, दादी सास, सब कुछ है, तो उनके पोषण का ध्यान रखना पड़ेगा। अब आगे अगर हम बात करें तो तकरीबन हर अस्पताल में एडोलसेंट हेल्थ क्लिनिक शुरू किए गए हैं जी, जहाँ पे हम जाके बात कर सकते हैं, वो बच्ची जो है उनको लेके जा सकते हैं, वो अपने मेंटल हेल्थ के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में अपनी कुछ भी बात अपनी शेयर कर सकती है। तो वो डॉक्टर से अपने बारे में बात कर सकती है कि मुझे ये तकलीफ है या ये नहीं है, तो कम से कम उसके जो दिल पे बोझ है वो हल्का हो जाएगा। हो सकता है वो अपने माँ से, बहन से या किसी भी करीबी रिश्तेदार से वो नहीं शेयर कर पा रही है, जो कि वो इस क्लिनिक में जाके या इन कुछ एनजीओ भी जुड़ी हुई हैं जो एडोलसेंट हेल्थ के लिए काम कर रही हैं, तो इनके साथ भी वो अपनी समस्या को शेयर कर सकती है जिससे कि उसको कुछ हेल्प मिल पाए जी। तो घर से ही हमें शुरुआत करनी पड़ेगी, बेटा और बेटी दोनों में भेद नहीं करना है जी। ये हम कह सकते हैं कि एक अच्छा अगर मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखना है तो उसकी शुरुआत घर से ही होती है, और ये दायित्व माता पिता का हम कह सकते हैं, परिवार वालों का हम कह सकते हैं होता है। इसके लिए सभी को मिलकर एकजुट होकर कार्य इस दिशा में करने की जरूरत हो जाती है। आइए हम बढ़ते हैं आगे, अपनी चर्चा को बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, मध्य प्रदेश से पिंकी जी ने हमें कॉल किया है, जान लेते हैं क्या है इनका सवाल। रिंकी जी ने हमें कॉल किया है इस वक्त। हेलो। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? जी मैम, मुझे 2.5 महीने तो हो गए प्रेगनेंट होने को, और मुझे प्राइवेट पार्ट्स में बहुत इचिंग होती है। आपको इचिंग की प्रॉब्लम होती है, खुजली होती है आपको? जी जी। क्या कारण हो सकता है इतनी इचिंग होने का? क्या कहेंगे, इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं। अगर आपको प्राइवेट पार्ट में खुजली होती है या कोई गंदा पानी जाता है या पेट में दर्द होता है, और प्रेगनेंसी में स्पेशली अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको है, तो आपको फौरन जाके अपने करीबी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर एक अंदरूनी जांच करेंगे, क्योंकि कई तरीके के इन्फेक्शन हो सकते हैं, आपको उसके लिए दवाई दी जाएगी और उससे आप निजात पा सकेंगी। जी बिल्कुल। और सफाई का बहुत ध्यान रखिए, जब भी आप वॉशरूम बाथरूम जाती हैं नीचे से थोड़ा साफ रखिए, और अगर पसीना आता है तो एक अलग टॉवल रखिए, एक तौलिया रखिए, जिससे कि उसे सुखा लें, वो जगह ज्यादा गीली ना रहे, और अपनी सफाई अंदरूनी कपड़े जो हैं वो जल्दी जल्दी बदलें, और सफाई का ध्यान रखेंगे, अपने नाखून छोटे रखें और अंदर सूती कपड़े पहने, तो उससे पसीना कम आएगा और इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। जी, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें आप ध्यान में जरूर रखें। बिल्कुल, ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन अभी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होने वाले हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, और देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। दूरदर्शन
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं हमारी प्रेग्नेंट महिलाएं ना हो जाए कोरोना की शिकार, और साथ ही साथ हमारी महिलाओं के स्वास्थ्य के संबंध में भी हमारा ये कार्यक्रम समर्पित है। और हमारी दो विशेषज्ञ मौजूद हैं आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने के लिए। तो फिर बढ़ते हैं हम आगे, हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे कई कॉलर्स अभी तक कॉल कर चुके हैं, आपको भी क्या करना है, हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है, अपनी समस्याएं हमारे सामने रखनी है, हमारी विशेषज्ञ उनका समाधान आप तक जरूर पहुंचाएंगी। हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर डॉक्टर राजेश आपसे जानना चाहूंगी, अभी हम चर्चा कर रहे थे कि हमारी जो लड़कियां होती हैं किस तरह से हम उनकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए कदम उठा सकते हैं, परिवार का क्या दायित्व हो जाता है, और भी कई तरह की समस्याएं होती हैं। जैसे हम पीसीओडी पीसीओएस की बात करें तो आजकल बहुत सारी लड़कियों में ये देखने को मिल रहा है, जिससे आगे चलकर काफी समस्याएं भी होती हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? समस्या है वो एडोलसेंट हेल्थ में, एडोलसेंट एज में काफी कॉमन हो रही है। इसका पहला कारण तो है हमारे रहन सहन, हमारे खाने पीने में जो बदलाव आया है, हमारे जो पहले के हमारा लाइफस्टाइल था काफी चेंज हो गया है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है इसके लिए। सबसे पहले उस समस्या को पहचानना कि मुझे ये समस्या है जी। जैसे ओबेसिटी है, इरेगुलर मेंसेस है, महीना पे टाइम पे नहीं आना, वेट बढ़ना और पीसीओएस में चेहरे पे बाल वगैरह आना, तो ये अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर ये बदलाव आ रहे हैं तो आप अपने चिकित्सक से सलाह लें। तो कहीं ना कहीं ये कारण हो सकता है, लक्षण हो सकते हैं। इनके साथ ही उन्हें जब भी चिकित्सक के पास जाएंगे सबसे पहले तो उन्हें कुछ जांचें बताई जाएंगी, साथ में उन्हें कुछ खान पीन में ध्यान उनका, अगर वो ओबेज है, मोटापा अगर उनके आ गया है तो थोड़ा सा उनको वजन कम करने के लिए उनका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जैसे हम कहते हैं, सबसे पहले हम उन्हें यही कहते हैं। जैसे आजकल बच्चे रात में बहुत देर देर तक जग रहे हैं, रात में देर से सोए, सुबह देर से उठे, सुबह का खाना नहीं हुआ, दोपहर का खाना कब हो रहा है, फिर रात का खाना कुछ पता नहीं है, ये हमारी लाइफस्टाइल में जो अभी चेंजेस आ रहे हैं वो है। तो संतुलित एक जो हमारी दिनचर्या है वो बनाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। सुबह टाइम से उठ के थोड़ी एक्सरसाइज करें, अपना नाश्ता समय से लें, दोपहर का खाना, रात का खाना, और वो भी पौष्टिक आहार। जो अब फास्ट फूड का जो आ गया है उसमें बहुत ज्यादा मतलब पौष्टिक आहार तो कहीं है ही नहीं, पोषण ज्यादा नहीं होता है बल्कि उससे मोटापा और बीमारियां ही बढ़ रही हैं। तो ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके अलावा डॉक्टर आपके साथ है ही जो आपको उस समय होने वाली जो भी समस्याएं हैं उनके लिए निदान के लिए वो हमेशा आपके साथ हैं और आपको दवाइयां बताएंगे, पर सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही रहेगा जी। तो अपना लाइफस्टाइल यहां पर चेंज करना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल डॉक्टर पिकी, आप क्या कुछ जोड़ना चाहेंगे? जैसे डॉक्टर राजेश ने बताया किशोरावस्था में लड़कियों को जरूर समझाना चाहिए कि आलसी नहीं बनेंगी, साइकिल या पैदल चल के काम करेंगी, एक घंटा फास्ट वॉक करेंगी, रस्सी कूदेंगी, स्विमिंग कर सकती हैं, साइकिलिंग कर सकती किसी तरह कह सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी, डांस करिए, जो भी चीज उन्हें अच्छी लगती है, जिम जाए, जो भी चीज उनके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को देखते हुए उनके लिए जो भी संभव है वो जरूर करना है। और माँ बाप ध्यान रखें कि फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड ना दें। घर की जो हमारी गांव की चीजें होती थी जैसे कि जवे, पोहा, दलिया, वो सब चीजें बहुत अच्छी हैं। ओट्स, कॉर्नफ्लेक्स उतने अच्छे नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी प्रोसेस्ड फूड है वो इतना अच्छा नहीं है जितनी कि ताजा चीजें बहुत अच्छी हैं। घी, तेल, आलू, चावल, मीठा, ये पांच चीजें हमें छोड़नी पड़ेंगी और बहुत कम करनी पड़ेंगी। और दूसरी चीज है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट कितना है। हरेक को, बच्चे को पता होना चाहिए, बच्चे को भी और बड़ों को भी, कि हमारा बीएमआई कितना होना चाहिए। तो बीएमआई जो है एक आपको एम देता है, गोल देता है कि आपको अपना वेट इतना रखना है। उससे अगर ऊपर जा रहा है तो माँ बाप को घर में सभी के लिए ये परहेज रखना पड़ेगा। अगर बच्चा मोटा हो रहा है तो उनके माता पिता को भी ये परहेज रखना पड़ेगा। और खान पान, रहन सहन जैसा डॉक्टर राजेश ने बताया, और एक्सरसाइज, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इससे ही अगर ये सब ध्यान रखें और 5% भी अगर वेट कम होगा तो उनके पीरियड्स अपने आप नॉर्मल होने लगेंगे। उनके शरीर पे, फेस पे जो बच्चियों के बाल आ जाते हैं वो बेचारी बाहर भी नहीं जाना चाहती और उनको बहुत मानसिक टेंशन रहता है, तो वो सब चीजें अपने आप ठीक होंगी।
और ये चीज अगर यहाँ नहीं रोकेंगे तो आगे चल के उनको प्रेगनेंसी में दिक्कत होगी जी, ये गर्भधारण करने में काफी समस्या है, हम देख रहे हैं कि आजकल इनफर्टिलिटी देख रहे हैं और फिर अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उनको डायबिटीज होगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो नींव अगर जैसा आपने शुरू में बोला, नींव अगर अच्छी होगी बच्चियों की तो आगे गर्भधारण में और आगे प्रेगनेंसी में उन्हें दिक्कत नहीं होगी जी। तो जैसे हमारी विशेषज्ञ दोनों ही कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है, कोरोना के चलते बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो अपना घर ही काफी है, घर में ही कोई आप ऐसा विकल्प देख सकते हैं जिससे आप फिजिकल एक्टिविटी कर सके, आप योगा कर सकती हैं घर में बैठे ही, आप बिल्कुल अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए शुरुआत आप ही को करनी होगी। आइए बढ़ते हैं आगे, और अब डॉक्टर राजेश हमने लड़कियों के बारे में बात कर ली, अब मैं बात करना चाहूंगी उन महिलाओं के बारे में जिनकी उम्र 40 से 45 हो जाती है, मेनोपॉज की समस्या इसी समय हम कह सकते हैं कि शुरू होती है और आसपास ही होती है, तो ऐसे में किस तरह के चेंजेस आते हैं उनके शरीर में, हार्मोनल चेंजेस क्या असर पड़ता है? देखिए 40 से 45 साल की जो उम्र है, जैसे कि हम कह रहे हैं कि महामारी समाप्त होने की तरफ जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ये है कि अब जो हमारे लाइफस्टाइल है, अब जो हमारा वो है, हमारा मेनोपॉज थोड़ा सा डिले हो गया है जी। हम 45 से 50 साल की तरफ पहुंच गए हैं, तो उस टाइम एक तो महावारी इरेगुलर हो जाता है, पीरियड्स जो है काफी इरेगुलर हो जाते हैं, कुछ महिलाओं को हैवी पीरियड्स की समस्या होती है, कुछ को 2-3 महीने नहीं होते, फिर जब होते हैं तो काफी हैवी होते हैं। इसके बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं जिनमें काफी बीमारियां भी छुपी होती हैं, जिनके लिए डॉक्टर से परामर्श लेना बहुत जरूरी है। इसके अलावा चिड़चिड़ापन जी, एकदम से जैसे काफी महिलाएं कहती हैं कि मुझे सोते सोते बहुत ज्यादा पसीना आता है, अचानक से गर्मी लगती है, फिर थोड़ी देर में ठंड लगती है, ये सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं उनके, क्योंकि इन चेंजेस के कारण उनको चिड़चिड़ापन आता है और महावारी उनकी इरेगुलर हो गई है, कभी भी पीरियड शुरू होते हो रहे, अगर वो हैवी हो रहे हैं तो उनका काफी शरीर में बदलाव होते हैं, तो इनके लिए उसे डॉक्टर से परामर्श लेना जी, तो ऐसे बहुत जरूरी है। मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ता है उस समय पर जी हाँ, क्योंकि अगर उसको एक हम अपने आप को लें कि हम बैठे अचानक से मुझे गर्मी लगे, और थोड़ा सा उस टाइम हाइपरटेंशन की शिकायत भी हो सकती है, बीपी भी बढ़ सकता है उनका, क्योंकि ये हार्मोनल चेंजेस के कारण जो हमारे बाकी शरीर में बदलाव हो रहे ये हो सकते हैं, तो इस समय मानसिक तनाव होना जरूर बनता है, क्योंकि कुछ भी हो रहा है मेरे शरीर में बदलाव हो रहा है, तो उसे एक्सेप्ट करने में समय लगता है। साथ में उनकी दिनचर्या भी परिवर्तित हो जाती है इन सबको लेके, तो मानसिक तनाव तो होता है जी, तो मानसिक तनाव होता है ये आम सी बात है, इसे हमें दूर करना है खुद से ही। हमारे इस मानसिक तनाव का असर हमारे स्वास्थ्य पर किस तरह से पड़ता है इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। बिहार के आरा से हमें कॉल किया है बबली कुमारी जी ने। हेलो नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? हेलो जी, पूछिए। मेरे डब्ली नाम है मैम जी, अपना सवाल पूछिए आप। मैं मेरा पीरियड थोड़ा थोड़ा महीना में हमेशा गिरता है और मंथ में 2-3 बार आ जाता है। इरेगुलर पीरियड्स ही है इनके, जैसे कह रहे हैं कि महीने में 2-3 बार। उम्र कितनी है आपकी? 18 ईयर। और पीरियड्स किस उम्र में आने शुरू हुए हैं आपके? मतलब मैं 1 साल से गड़बड़ी हो रहा है। आपको महामारी कब, कितने साल की थी जब से आने शुरू हुए हैं? शुरू कब हुआ था? 16 वर्ष की उम्र में। 2 साल हो चुके हैं, तो शुरू में ये देखा गया है कि 4-5 साल तक महीना कभी जल्दी कभी लेट आ सकता है, तो उसमें आपको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है, और आपको एक जगह लिख के नोट करके रखना चाहिए जिसको हम मेंस्ट्रुअल कैलेंडर कहते हैं, कि आपको कब पीरियड आया और कितने दिन के लिए पीरियड आया। आपको एक बार अपनी लेडी डॉक्टर को मिल लेना चाहिए, जैसे कि हम अभी पीसीओएस की प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे, आपका वजन कितना है, आपके शरीर पे और कोई बाल वगैरह तो नहीं है, आपके मम्मी पापा जो है वो उनको मोटापा है, या पीसीओएस की या इरेगुलर पीरियड्स जो महावारी समय पे नहीं आती थी वैसी कोई प्रॉब्लम, या डायबिटीज की प्रॉब्लम तो नहीं है, और आपका बीएमआई वगैरह देख के एक बार डॉक्टर साहब आपकी पूरी जांच करेंगे बेटा, और उसके अनुसार फिर आपको दवाई देंगे। बहुत चिंता नहीं करो, और एक बार अपने घर के आसपास किसी अच्छी डॉक्टर को दिखा लो, तो वो दवाई भी दे सकती है। कितना बार दिखा चुकी है, रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आ रहा है। आपने बेटा खून की जांच कराई है, हार्मोन टेस्ट कराए हैं? हाँ मैम।
अच्छा तो ऐसा है, आप किसी अच्छे सरकारी अस्पताल में जाके आपको दवाई दे देंगे जिसको आपको 5 दिन या 15 दिन या 25 दिन खाना होगा। आपकी क्या प्रॉब्लम है वो देख के उसके अनुसार दवाई देंगे और वो 3 से 6 महीने तक तुमको खानी पड़ेगी और उसके बाद आपके पीरियड्स ठीक होने लगेंगे। पीरियड्स ठीक ना आने के कई कारण होते हैं तो वो हमें जांच करके ही बता पाएंगे। थायराइड की प्रॉब्लम होती है, पीसीओएस की होती है, प्रोलैक्टिन की होती है, सब हो चुका है। अगर ये सब हो चुका है तो आप अच्छे डॉक्टर से मिलिए, वो आपको 15 दिन की दवाई देंगी। महीने के 15वें दिन से 25वें दिन तक अगर आप लगातार वो गोली खाएंगी 3 से 6 महीने तक तो पीरियड सही आएंगे। किसी गायनाकोलॉजिस्ट से मिलिए आप। अच्छी बात है, आपकी सारी रिपोर्ट ठीक आई है तो, और पूरी जांच कर ही आपको वो दवाई दी जाएगी। आपका वजन कितना है उसके अनुसार उसका डोज भी चेंज होगी तो उसके अनुसार आप अच्छी जगह पे दिखा के और वो दवाई लीजिए, उससे वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी जी। तो किसी स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास अपनी सारी रिपोर्ट्स आप लेकर जा सकते हैं, उनके कही अनुसार ही आप दवाइयों का यहाँ पर सेवन करें जितने समय के लिए वो आपको सलाह दे रहे हैं। देखिए निश्चित तौर पर आपकी समस्या जो है वो दूर जरूर हो जाएगी। बिल्कुल, इस कॉल से पहले हम बात कर रहे थे कि हमारे जो मानसिक स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो उसका असर क्या पड़ता है, तनाव कहें या फिर अवसाद कहें, ये किस तरह का असर डालता है हमारी महिलाओं के स्वास्थ्य पर, इसे समझना बहुत जरूरी है। लगातार हमारे विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इससे हमें खुद ही निपटना होगा। तो किस तरह का प्रभाव डालता है हमारी महिलाओं के स्वास्थ्य पर, आइए एक रिपोर्ट के जरिए आपको हम दिखा देते हैं। हम सब काम का बोझ, रिश्तों में अनबन, एग्जाम या प्यार में असफलता या फिर किसी तरह की दुर्घटना, ऐसे कई कारक होते हैं जो तनाव से उपजकर अवसाद का भी कारण बन सकते हैं। कहते हैं चिंता से बेहतर है चिता। जी हाँ, इस छोटी सी कहावत में वास्तविकता है उस सच की, जिसे जानते हुए भी हम अनजान है। अनजान इसलिए कि मृत्यु का कष्ट तो एक बार ही होता है, लेकिन मानसिक तनाव अनेक कष्टों को जन्म दे जाता है। यदि बात करें बात बात में टेंशन की, तो ऐसे तनाव वहाँ होते हैं जहाँ असंतोष है, अविश्वास है, भविष्य की अनिश्चितता और साधनों की कमी है। मेहनत तो है किंतु उपलब्धियां नहीं है। इसी तरह परिवार तो है लेकिन उसमें टूटन है, विघटन है, छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े तनाव है। ऐसी बातों से न केवल हमारा दिमाग प्रभावित होता है बल्कि शारीरिक व्यवस्था भी प्रभावित होती है। गौरतलब है कि 8 घंटे के शारीरिक श्रम से मनुष्य की इतनी शक्ति नष्ट नहीं होती जितनी आधे घंटे की मानसिक व्याग्रता यानी मानसिक तनाव के कारण हो जाती है। जरा सोचिए, अनिद्रा की बीमारी क्यों इतनी आम हो गई, पेट की समस्याएं क्यों इतनी बढ़ गई। कहीं तनाव हमारे स्वास्थ्य को दीमक की तरह न चाट जाए, इसलिए जरूरी है परिस्थितियों को बदलने की, खुद को स्वस्थ रखने की और मानसिक तनाव से बाहर निकलकर इससे निपटने की। बता दें, योग करने से तनाव पैदा करने वाले हार्मोन कॉर्टिसोल का स्तर जहां कम हो जाता है, वहीं सकारात्मक सोच आपको नए तरीके से जीना भी सिखा देती है ना? राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। तो देखा आपने तनाव की कारस्ताने, और अब आपको इसके प्रति जागरूक होने की जरूरत है और आप ही को कदम उठाने की जरूरत है कि आप इससे कैसे बच सकते हैं। इसमें आपकी सहायता कर सकता है आपका परिवार और हमारे चिकित्सक भी। जी हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो जाती है हमारे स्वास्थ्य के संदर्भ में, जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि पता ही नहीं होगा, बीमारी के बारे में जानकारी नहीं होगी तो उसका इलाज कैसे करवा पाएंगे। इसीलिए हम लगातार यहां से आपको जागरूक करने की कोशिश करते रहते हैं और
आप भी अपना दायित्व अपना लीजिए कि आपको भी अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखना है। बढ़ते हैं हम आगे, कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई है, ललिता कुमारी जी, क्या है उनका सवाल हम जान लेते हैं। हेलो। हाँ हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? मैडम मेरा सवाल है ना जी कि मेरा जो पीरियड होता है वो पीरियड से पहले आ जाता है और बहुत ज्यादा आता है जी। और उसके बाद जाने के बाद भी हल्का हल्का 15-20 दिन ऐसे रहता है। हैवी पीरियड्स आते हैं और समय से पहले आ जाते हैं और जो अंतराल है वो काफी लंबा होता है, तो ऐसे में डॉक्टर राजेश क्या कहेंगे? और एक सवाल और है जी, मेरा माथा बहुत दर्द करते रहता है रनी टाइम से जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे डॉक्टर राजेश? आपकी उम्र कितनी है? मेरा उम्र है 25 साल। 25 बताएं। आप अगर आपको पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं जैसा कि आप कह रही हैं कि समय से पहले आता है, तो समय से कितना पहले आ जाता है? मेरा वही 10 तारीख अगले पिछले बार आया था, अब 1 तारीख को आ गया, 10 दिन पहले आ जाता है। हाँ। जी, ये आपको शुरुआत से ही ये समस्या है जब से आपकी महावारी शुरू हुई थी? ललिता जी जवाब दें, ये शुरुआत से ही समस्या है आपको या फिर हाल फिलहाल में हुई है? नहीं, ये ज्यादा दिन से नहीं, 6-7 महीना से। 6-7 महीने से हुई है। शादीशुदा है? शादीशुदा है आप? नहीं, ये 6-7 महीना से। ये आपकी शादी हो चुकी है क्या? हाँ, मेरे 3 बच्चा है। बच्चे हैं, बच्चे है। छोटा बच्चा कितने साल का है? छोटा बच्चा वही 4 साल का है। अच्छा, उसको दूध तो नहीं पिला रही हैं आप? वो दूध तो वो 1.5 साल में ही छोड़ दिया था। अच्छा ठीक है, तो आप एक काम करिए, आप नजदीकी अस्पताल में जाइए और अपने डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर आपकी जो भी गायनेकोलॉजिस्ट है आपकी जांच करके देखेंगे, हो सकता है कि जांच में अगर आपका सब कुछ नॉर्मल आए तो आपको कुछ दवाइयां दी जाएंगी, वो दवाइयां आपके पीरियड्स को रेगुलर भी कर सकती हैं। साथ के साथ अगर कोई और समस्या उत्पन्न हो रही है जो कि जांचों के द्वारा ही पता चलेगी आपकी, तो उनसे आपकी बीमारी पता चल सकती है और उसका निदान हो सकता है जी। तो आप इसके लिए, आपको फोन पे हम आपको कोई भी सलाह ऐसे नहीं दे पाएंगे कि आप ये दवाई खा लें या ये कर लें, इसके लिए आप नजदीकी अस्पताल में जाके डॉक्टर से मिल लीजिए, क्योंकि आपकी अंदरूनी जांच करने की जरूरत है, आपके कुछ जांचें करवाने की जरूरत है जिनके द्वारा हमें बीमारी का पता चल जाएगा, तो ये आप नजदीकी अस्पताल में जाके अपना करवा सकती हैं जिससे कि आपको पीरियड्स रेगुलर होने के लिए दवाइयां दी जा सके। जी बिल्कुल, तो ललिता कुमारी जी आपको क्या करना है हमारी विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि बहुत सारे हमारे दर्शक अपने सवाल ईमेल्स के जरिए भी हम तक पहुंचाते हैं जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल यहां पर करने वाले हैं। तो डॉक्टर कटिहार बिहार से कुंज बिहारी जी ने हमें एक मेल किया है, ये लिखते हैं कि मेरी वाइफ का ऑपरेशन से डिलीवरी हुई थी, पेट में सूजन आ गई है, पेट में दर्द भी होता है, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? क्या इन्होंने ये बताया है कितना पहले ऑपरेशन? इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है, बस यही लिखा है कि मेरी वाइफ की सिजेरियन डिलीवरी हुई थी, पेट में सूजन है और पेट में दर्द भी है। तो अगर हमें ये नहीं पता कि ऑपरेशन कहाँ हुआ था, किस चीज के लिए हुआ था और कितना टाइम हुआ है, अगर अभी हाल फिलहाल में ही पिछले 1 महीने के अंदर इनको पेट में दर्द हुआ है, ऑपरेशन के बाद पेट में दर्द और सूजन हुई है, तो उनको हॉस्पिटल में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कई बार जो हमारे टांके होते हैं, स्ट्रिच लाइन होती है, वहां पे इन्फेक्शन हो सकता है। अगर वहां आप देखिए लाली है या वहां थोड़ा फर्म हो रहा है, फर्म मतलब थोड़ा सख्त हो रहा है जी, और अगर आपकी पत्नी को बुखार आ रहा है या उस जगह पे छूने पे उनको दर्द ज्यादा हो रहा है या लाली है या कुछ मवाद सा आ रहा है पतला या पस जैसा, तो फौरन जाके अपने डॉक्टर को दिखाएं। हो सकता है कई बार स्टिच लाइन सेप्सिस हो जाती है, तो उसके लिए आपको दिखाना बहुत जरूरी है। और ये हो सकता है, या दूसरी चीज होती है बच्चेदानी में इन्फेक्शन होना, तो बहुत जरूरी है आप जल्दी से अपने घर के आसपास डॉक्टर को, महिला डॉक्टर को जाके दिखाएं और इसका इलाज कराएं। जी, तो कुंज बिहारी जी एक बार आप अपने डॉक्टर को यहाँ पर जरूर दिखा लें और दिखाने के पश्चात ही निश्चित हो पाएगा कि किस तरह का इलाज आपको आपकी पत्नी के लिए यहाँ पर हो सकता है। बिल्कुल, तो देखिए बहुत ही अच्छी बातें हमारे विशेषज्ञ यहाँ पर पहुंचा रहे हैं आप तक, महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं, सिलसिले को हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन अभी हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइए, हम जल्दी वापस आने वाले हैं, बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वास्थ्य के साथ।
ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं हमारी महिलाओं की स्वास्थ्य के संदर्भ में। जी हाँ, हमारी महिलाएं स्वस्थ रहे, वो जागरूक रहे, यही हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है। और लगातार हमारे विशेषज्ञ ये तमाम जानकारियां आप तक पहुंचा रही है। अब समय काफी कम रह गया है, तो बिल्कुल अब आप अपना फोन उठाइए, जल्दी से हमें फोन कीजिए, आपके सवाल हम सुनेंगे, उनके जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और बता दें एक और मेल हमारे पास आई है और वो हम कार्यक्रम में अब शामिल करेंगे। बता दें आपको ये मेल हमें भेजी है जोधपुर मंडौर से जगजीत राणा जी ने। ये लिखते हैं कि मेरा नवजात शिशु है, दो दिन से वो नींद में कभी कभी मुंह से सांस लेता है, चौंकता भी है, फिर माँ के दूध पीने के बाद स्थिर हो जाता है। क्या उसे सांस संबंधी परेशानी तो नहीं है? क्या कहेंगे डॉक्टर राजेश? जो नवजात शिशु है वो अचानक चौंकना, उठना और मुंह से सांस लेना, ये नॉर्मल चीज है। बच्चा है वो अभी नींद में है, वो कुछ भी कर सकता है, पर अगर वो उसके मुंह से दूध निकल रहा है या सांस लेने के साथ उसकी पसलियां चल रही हैं या उसको बुखार भी आ रहा है उसके साथ में या नीला पड़ रहा है शरीर, दूध पीते टाइम अगर उसको सांस तेज चल रहा है, पसलियां चल रही है, दूध पी नहीं पा रहा है, थोड़ा सा दूध पीते ही सांस फूल रहा है बच्चे का, तो हमें चिंता करने की जरूरत है नहीं। तो ये सारे सिम्टम जो आप बता रहे हैं एक बच्चे के नॉर्मल चीज होती है, इसमें ज्यादा जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि बच्चा दूध पी के, माँ का दूध पीने के बाद जैसे इन्होंने बताया कि स्थिर हो जाता है, बिल्कुल ठीक रहता है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो बच्चा बिल्कुल ठीक है, ज्यादा चिंताजनक स्थिति नहीं है, ये ज्यादा चिंता का यहाँ पर विषय नहीं है, तो ये आम सी बात है। एक और मेल आई है हमारे पास दिल्ली से रमेश कुमार जी की। डॉक्टर, ये लिखते हैं कि क्या कोविड-19 वाली गर्भवती महिलाओं का बच्चा भी कोरोना वायरस से पॉजिटिव ही होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है डॉक्टर, क्योंकि क्या कहेंगे आप, क्योंकि बहुत सारी आशंकाएं रहती हैं यहाँ पर। ये एक बहुत बड़ा सबके मन में डर रहता है कि अगर हमें कोरोना हो जाएगा तो बच्चे को कोरोना होगा या नहीं। जी, तो बहुत सारी रिसर्च हुई है इसके बारे में और ये देखा गया है कि माँ से बच्चे को कोरोना नहीं होता है, ज्यादातर नहीं होता है, दो चार केसेस में हुआ है जो कि कह नहीं सकते कि किस कारण हुआ है। माँ से बच्चे को कोरोना या तो गर्भावस्था के दौरान हो सकता है या प्रसव में जब बच्चा बाहर निकल रहा है तब हो सकता है, या माँ जब बच्चे को दूध पिला रही है और उसका ध्यान रख रही है तब हो सकता है। तो इन तीनों चीजों में देखा गया है कि अगर आप पूरी सावधानियां बरतेंगी जो कि हमने पहले तीन या चार चीजें बोली थी, मास्क पहनना, हाथ धोना और दो गज की दूरी बनाना, बाहर ना जाना, तो आपसे बच्चे को संक्रमण होने की चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर आपको कोरोना हो जाता है तो आप फिर भी अपने बच्चे को जरूर अपना दूध पिलाएं। जी, अगर आपके पास आप इनकी नानी दादी या कोई है जो अपना दूध निकाल के आप उनको दें और बच्चे को माँ का दूध जरूर पिलाना बहुत चाहिए, जरूरी होता क्योंकि इससे बच्चे को 6-7 जानलेवा बीमारियों से बचाव होता है। और अगर आपके पास कोई नहीं है तो बड़े कमरे में आप बच्चे को थोड़ा अपने से दूर रखें और जब आप बच्चे को ले रही हैं तो उससे पहले अच्छे से हाथ धोएं और ठीक से मास्क पहन के बच्चे को स्तनपान कर सकते हैं। उसमें ब्रेस्ट मिल्क में बच्चे को इन्फेक्शन होना बहुत ही कम देखा गया है, तो इससे बच्चे को वंचित ना करें। वैसे भी कहा जाता है कि माँ का दूध तो बच्चे के स्वास्थ्य में बहुत अच्छा होता है, अमृत माना जाता है, कई तरह की बीमारियों से लड़ने की क्षमता बच्चे को यहाँ पर देता है, तो बहुत जरूरी है कि आप इन सावधानियों के साथ जरूर आगे बढ़ें। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिवांशी जी ने हमें कॉल किया है उत्तर प्रदेश से, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? जी मैम, हमको पीरियड जो है इरेगुलर आता है काफी टाइम से। जी, कितनी उम्र है आपकी? 24 आपकी उम्र है और इरेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं, कब से ये समस्या है? 3-4 साल हो गए हैं, हमेशा लेट आता है। जी, क्या कहेंगे आप डॉक्टर राजेश ने? इन्होंने बताया कि ये 24 साल की हैं और 3-4 साल से इनको महीना इरेगुलर हो रहा है, पीरियड्स इरेगुलर हैं,
पहली बात तो ये शादीशुदा है या नहीं, और अगर शादीशुदा है तो बच्चे कितने हैं, अगर बच्चे हैं या नहीं वो भी हमें जानना बहुत जरूरी है। शिवांशी जी आप फोन लाइन पर हैं तो बताएं। जी अनमैरिड है। अनमैरिड है, अनमैरिड है, और तीन चार साल से अगर इनको महीना इरेगुलर, ये इरेगुलर नहीं बोल रही, ये कह रही इनको डिलेड आता है, तो इनको कितना दिन बाद आता है, मतलब 30 दिन के कितने दिन ऊपर होके इनको महीना आता है, आपको महीना आता है? जी मैम कभी कभी जैसे 5-10 दिन या 15 दिन या 1.5 महीने लगभग। आपका वजन कितना है? अभी प्रेजेंट में 45 है। और आपको ये अभी 3-4 साल से ये समस्या है? जी। तो शिवानी जी आप जाके एक काम करिए, एक तो सबसे पहले जैसे कि डॉक्टर पिक्की ने थोड़ी देर पहले बताया था कि आप एक कैलेंडर रख लीजिए घर में, और आपको जब भी महीना आता है उस पे निशान लगा लीजिए कि मुझे इस दिन महीना शुरू हुआ। ऐसे 3 महीने का आप करके देखिए कि आपको 3 महीने रेगुलर साइकिल थी या इरेगुलर साइकिल थी, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि हमारी जो महीने पीरियड्स की जो साइकिल्स होती हैं, किसी को 25 डेज की होती है, 30-35, कुछ एक को 40 डेज तक भी जाता है, जिसको कि हम फिर इरेगुलर पीरियड्स मान लेते हैं, पर उनकी साइकिल हार्मोनल चेंजेस जो है बॉडी के, उनके साइकिल ही ऐसे होती है। पर अगर आपको कभी 1.5 महीना भी चढ़ रहा है, 2 महीना भी चढ़ रहा है, तो आपको अपने कुछ हार्मोन्स की जांचें हैं, उसके अलावा जो थायराइड की जांच है और बाकी हार्मोन्स की जांच है, और एक हो सकता है कि आपका अल्ट्रासाउंड भी कराना पड़े और आपका चेकअप भी करना पड़े कि आपको कोई और समस्या तो उत्पन्न नहीं हो गई है जिनके कारण आपको पीरियड्स इरेगुलर आ रहे हैं जी। तो इसके लिए आपको जो भी स्त्री रोग विशेषज्ञ है आपके आसपास उनसे जाके मिल लीजिए एक बार और अपना चेकअप करा लीजिए, ये सारी जांचें करें। दूसरा, आपके शरीर में अगर खून की कमी है तो उससे भी ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ये कुछ जांचें हैं जो आपको कराने की जरूरत पड़ेगी डॉक्टर को दिखा के, तो उसके बाद आपको साइकिल रेगुलर करने के लिए दवाइयां दी जा सकती हैं। जी, तो इस समस्या का समाधान है, बस आप एक बार डॉक्टर से अपनी पूरी जांचें यहाँ पर जरूर करवा लें। बढ़ते हैं आगे डॉक्टर पे कि आपका रुक करना चाहूंगी। अभी हम जिक्र कर रहे थे कि जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं अगर वो कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं तो बच्चे का वो किस तरह से ध्यान रख सकती हैं प्रसव के बाद। अगर किसी कारणवश बच्चा पॉजिटिव हो गया है, माँ नहीं है, वो माँ नेगेटिव है, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, स्तनपान वगैरह कराने के लिए क्या सावधानियां बरतें? ऐसा बहुत ही कम होता है कि बच्चा पॉजिटिव हो, क्योंकि बच्चा ज्यादातर माँ के साथ रहता है, तो ऐसा बहुत कम चांसेस है कि सिर्फ बच्चा ही पॉजिटिव हो और माँ पॉजिटिव ना हो। अगर बच्चा पॉजिटिव है तो आप उसको मास्क तो पहना नहीं सकते, तो माँ को वही सावधानियां करनी है, अपने हाथ साफ करने हैं, मास्क पहन के रखना है, और बच्चे का माँ को संक्रमण यहाँ पर ना हो, माँ को इन्फेक्शन ना हो। जी देखिए, तो ये तमाम सावधानियां हैं जो आपको बरतने की यहाँ पर जरूरत है। बढ़ते हैं आगे, कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई है और ओडिशा से, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो। हाँ हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। गोपाल जी आपका क्या सवाल है? जो मेरा मैडम का जो मुझे एक बच्चा 5 साल का भी है मेरा जी, तो मेरा जो मैडम का जो महीने 4 महीने रुक जाता है और फिर हो जाता है, ऐसा क्यों होता है मेरा? इरेगुलर पीरियड्स ही है, 3-4 महीने रुक जाते हैं और फिर हो जाते हैं, रुक जाता है, फिर ब्लीडिंग ज्यादा होता है, फिर रुक जाता है, फिर ब्लीडिंग ज्यादा होता है। तो क्या हम इसे पीसीओडी मान सकते हैं, ये संभावना हो सकती है डॉक्टर पिकी? हो सकती है। इनका आपकी जो वाइफ है उनका वजन ज्यादा है या ठीक है? वजन कम है और कमजोर भी है, ब्लड भी कम है उसका। तो कमजोरी की वजह से, खून की कमी की वजह से भी पीरियड्स की गड़बड़ हो सकती है। बहुत जरूरी है कि आप अपने आसपास में किसी महिला डॉक्टर को दिखाएं और हार्मोन टेस्ट अल्ट्रासाउंड करके वो आपको बताएंगी कि इसका क्या कारण है और इसका इलाज जरूर कराएं। देखिए मैडम, 4-5 साल ऐसा जब से आया है, शादी मेरा हुआ है, ऐसा हुआ है, बच्चा भी एक पैदा हुआ है, लेकिन अभी तक भी ठीक होता उसका। अगर बच्चा नहीं ठहर रहा है और पीरियड्स सही समय पे नहीं आ रहे हैं तो इनको पीसीओएस की बीमारी हो सकती है। पीसीओएस जरूरी नहीं है कि सिर्फ मोटापे से ही हो, पतले लोगों को भी पीसीओएस हो सकता है जी। तो उसके लिए अच्छे डॉक्टर को अपनी जांच कराएं, लेडी डॉक्टर को अपने दिखाएं और वो फिर उसके अनुसार जो प्रॉब्लम निकलती है उसके अनुसार दवाई देंगी जी। पूरी जांच यहाँ पर करवाना बहुत जरूरी है, उसके अनुसार ही आपको जो सही इलाज है वो यहाँ पर मिल पाएगा। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दोनों विशेषज्ञ ने आप तक पहुंचाई है, आपकी समस्याओं का समाधान आप तक पहुंचाया है, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुई, आपने हमारी सभी महिलाओं को जागरूक किया, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। धन्यवाद।
तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति आप सभी यहां पर सजग रहेंगे। बता दें आपको हमारे पास पिछले सप्ताह बहुत सारी मेल्स आई हैं, जैसे कि कोलकाता से कुमार मयूरेश ने लिखा है कि 62 साल की मां को दाएं तरफ पैरालिसिस की समस्या है, क्या कर सकते हैं, उनका दायां पैर जो है बिल्कुल ही बेजान हो गया है। कानपुर के शर्मा जी ने लिखा है कि उनको उनकी जो मां है वो कहती है कि अगर कोई भी दवाई लेती है तो शरीर में छाले पड़ जाते हैं, इस डर से वो कोई भी दवाई नहीं लेती है, बुखार की दवाई भी नहीं लेती है, इसके लिए क्या किया जा सकता है। बता दें हम आपको कि बहुत जल्द ही हम विशेषज्ञों के सामने आपकी समस्याओं को रखेंगे और समाधान लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से दो दिन पूर्व टीवी के माध्यम से जरूर मिल जाएगी। आप लगातार हमें लिखते रहे, हमें मेल करते रहे, इसके लिए सबसे पहले तो आप पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है डीडी किसान कमरा नंबर 7 दूसरी मंजिल केंद्र कार्यक्रम निर्माण केंद्र दूरदर्शन खेलगांव नई दिल्ली 110049। यदि आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल आईडी आप हमारी नोट कर सकते हैं, ईमेल आईडी है swasthkisan@gmail.com। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले सप्ताह मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मंगल रहिए, दूरदर्शन किसान देखते रहिए, नमस्कार।